गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल चारू ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। अभी बजे हैं सुबह के 11 और आज बड़ी मुश्किल से धूप देखने को मिली है और मैंने व्लॉग भी आज बहुत दिनों बाद डाला है। शॉर्ट वीडियो तो मैंने परसों डाली थी पर व्लॉग मैं आज ही बना रही हूँ क्योंकि घर से आके बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और यहाँ मौसम भी ऐसा हो रखा था कि ना धूप थी और ठंडा इतना हो रहा था, मतलब बाहर बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा छा रखा था, तो ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। एक तो घर से बाहर जाना होता नहीं है, फिर दूसरे में गाड़ी का जो सर पे चक्कर, क्या कहते हैं पहाड़ी में हमारे रिंगाड़ा, सर पे इतना चक्कर बहुत तेज़। तो अभी बजे हैं, टाइम तो हो चुका है, नाश्ता वास्ता कर लिया है, आज रोटी सब्जी बनाई है सिर्फ। अभी चावल बनाने का तो कुछ आज सोचा है नहीं मैंने क्योंकि ठंडा हो रहा है और आज बहुत अच्छी थोड़ा सा धूप देखने को मिल रही है बाहर। कभी धूप हो रही है, कभी छाव हो जा रही है, पर सोच रही हूँ आज थोड़ा सा कपड़े भी भिगाए हैं, टाइम पर कपड़े धो के डाल लूँ छत पे। और मैंने थोड़ा मेहंदी भी घोली थी, मैंने सोचा थोड़ा मेहंदी लगा लूँ सर पे। देखिए मैंने मेहंदी घोल के रखी है। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, मैं कपड़े धो देती हूँ, छत पे डालती हूँ और थोड़ा मेहंदी लगा के थोड़ा धूप में बैठ जाती हूँ क्योंकि ठंडा हो रहा है, नीचे सर घूम भी रहा है ठंडे की वजह से, बहुत ही ठंडा हो रहा है। इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है ठंड ने, जनवरी एंड होने को आ रही है और ठंडा बढ़ता जा रहा है। तो गाइस बने रहिए, मिलती हूँ अभी थोड़ा देर में। फाइनली नाश्ता हो चुका है और मेहंदी भी लगा ली है मैंने सर पे और कपड़े भी धो लिए हैं। पहले मैंने नाश्ता किया, फिर मेहंदी लगाई, उसके बाद मैंने कपड़े धोए। कपड़े धो के सुखा रखे, आज भगवान जी खुश हैं तो आज भगवान जी ने बहुत अच्छी चिलचिलाती सी धूप हमें सेकने को मिल दी दे रखी है। और इतने दिन से परेशान बिना धूप के अब देख सकते हैं गाइस कितनी सुंदर धूप आई है और कपड़े इतने अच्छे से सूख रहे हैं। आप देखिए, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पूरे कपड़े, सारे लोगों ने आज ऐसा लग रहा है कि पूरे पता नहीं कब से कपड़े नहीं धोए होंगे जो लोगों ने भी। देखो आज सबकी छत पे कपड़े, वो देखिए सामने उधर भी कपड़े दिख रहे हैं आज बहुत सारे, मतलब पूरे सब ने ही अपने कपड़े छत में रखे सुखाने के लिए। तो गाइस आप लोगों ने भी रखे होंगे, तो धूप सेकती हूँ थोड़ा देर, बाल सुखाती हूँ, मतलब मेहंदी सुखाती हूँ बालों की और फिर जाती हूँ नीचे और बाल वॉश करके फिर मिलती हूँ आपको थोड़ा देर में। तब तक के लिए बने रहिए आप मेरे साथ। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल चारू व्लॉग में और अभी बजे हैं शाम के 6 और मैं जस्ट थोड़ा देर पहले मार्केट गई और मार्केट से थोड़ा सामान लाना था, अभी निकली थी 5:30-6 बजे। यहीं पर ही है, बगल में है दुकान, बगल में भी नहीं है मतलब है थोड़ी सी दूर, और वहाँ से सामान लेके आई, चाय बनाने के लिए रखी है, चाय भी बना रही हूँ, थोड़ा सामान लेके आई हूँ। सुबह के नाश्ते के लिए पोहा, देखिए पोहा, और खाने के लिए मूंगफली, थोड़ा सा गुड़ भी लाई हूँ। तो चाय बनाने के लिए रखी पड़ी है, चाय पीती हूँ फिर दिया बत्ती करके खाने बनाने की तैयारी करती हूँ। सब्जी भी क्या बनाऊँ समझ में नहीं आती है, वही पालक खा के, पालक तो आजकल ठंडा होता है पर हरी सब्जी अच्छी लगती है खाने में तो टेस्ट भी आता है रोटी के साथ। तो देखो अभी क्या बनाती हूँ, बीन भी हैं, बथुआ भी पड़ा है। तो गाइस बने रहिए आप मेरे साथ, पहले चाय पीती हूँ, मिलती हूँ आपको थोड़ा देर में। कैसे हैं आप सब, अभी बज रहे हैं 7:00 और चाय मैंने पी ली है मार्केट से आके, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मैं चाय बनाने जा रही हूँ और थोड़ा मार्केट से आई हूँ सामान लेके। और ठंड बार बहुत हाथ भी ऐसे हो रहे हैं गंदे से, देखो मैं बथुआ छील रही थी, इतना बथुआ में कचरा, हाथ ठंडे ठंडे से हो गए, नीले पड़ गए पूरे हाथ, गंदे हो रहे हैं। देखिए ये बथुआ की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ आज मैं, कहते हैं माँ बोल रही थी कि बथुए की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है जाड़ों में, इतना मतलब
एक गड्डी में इतना सारा कूड़ा निकल रहा है उसमें, तो इतनी सी गड्डी और 20 रुपए की गड्डी दी इन लोगों ने, 20 रुपए में। और हमारे गांव में जाओ, हमारे पहाड़ में जाओ, तो इतना अच्छा खेतों में बथुआ दिखता है, इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं। अब यहाँ एक इतना सा गड्डी था और उसमें इतना सारा झाड़, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये झाड़ देखो कितना सारा है, अभी इतना सा बचा है, इतना मैं छील चुकी हूँ, ये देखिए। तो वही मैं कहना जा रही हूँ कि गाइस, यहाँ अपना पहाड़ की तो बात ही अलग है, वहाँ सब चीज़ नेचुरल, सब्जी ले लो, हरी सब्जी ले लो, कोई दवाई मिक्स नहीं, बहुत ठंडी हवा। और जैसे कि मैंने एक बार वीडियो में डाला था, मैं जब गढ़वाल गई थी अपनी ताई जी के वहाँ, बहुत ही अच्छा नज़ारा था, इतना सुंदर, और इतनी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ, बच्चे वहाँ छोटे छोटे से, इतने छोटे छोटे से बच्चे ऐसे घूम रहे, हम लोग यहाँ जूते मोजे पहन के घूम रहे हैं अंदर, लेकिन वो बच्चे जो हमारे पहाड़ के बच्चे हैं, वो इधर उधर काम करने जा रहे हैं, गोबर रख रहे हैं, घास काटने जा रहे हैं, उसके बाद भी उनके पाँव में खाली चप्पल, कोई बच्चा नंगे पाँव दौड़ रहा है। तो गाइज क्या कहते हैं, बहुत मतलब अलग ज़िंदगी, बहुत अलग अलग, मतलब गांव की पहाड़ की ज़िंदगी अलग हो जाती है, यहाँ की अलग थोड़ा सा ज़िंदगी हम लोग जीते हैं। तो ये सब क्या करें, ज़िंदगी अपने गांव में जो मज़ा आता है जीने का, वो कहीं नहीं आता। हम आराम से खुले वातावरण में खुल के, आराम से हवा, ठंडी हवा, पानी, नेचुरल पानी, यहाँ तो सब गंदा मिक्स पानी, कहीं पे पन्नी गिरी है, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, तो ऐसी है सब कुछ। तो गाइस ठीक है, मैं सब्जी बनाती हूँ और मिलती हूँ आपको अभी थोड़ा देर में, आप भी खाना बनाइए तब तक, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मिलती हूँ थोड़ा देर में। अभी बज गए रात के 8:30, 9 बज गए हैं, और मेरा खाना बन के रेडी हो चुका है। देखिए मैं खाना खाने आ गई हूँ, ये बनाई है गर्मा गर्म बथुए की सब्जी और रोटी। तो आ जाइए आप सब भी, मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब आ जाइए रोटी सब्जी खाने। बथुआ की सब्जी बनाई है मैंने आज गर्मा गर्म, बच्चे खा रहे हैं और अब मैं खाती हूँ। मैंने सोचा पहले आप लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि बोल दूँ, व्लॉग की समाप्ति कर दूँ, आज का जो व्लॉग है यहीं पर ही समाप्त करने जाती हूँ। और ठीक है गाइस, खाना खाइए आप लोग सब, और मैं भी खाना खाने जा रही हूँ, और ठीक है मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।